क्या आप जानते हैं कि नए काम के लिए कौन सा दिन बेहद शुभ है जिससे आपको उसे करने में सफलता ही मिलेगी। देख रहे हैं आप वैदिक टीवी, नाम है मेरा मेघा। राधे राधे, सभी का स्वागत है। आपने किसी अच्छे काम को करने के बारे में काफी कुछ सोच रखा होगा कि अभी कुछ और समय, थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ, जब ये महीना आएगा तब करूंगा या जब ये दिन आएगा तब करूंगा। वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आप कोई भी अच्छा काम करेंगे तो उसका पुण्य अक्षय यानी कभी ना खत्म होने वाला होगा। अब आपको जो भी काम करने हैं अच्छे, आप उनकी एक लिस्ट बना लें और 23 अप्रैल 2023 यानी रविवार के दिन अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आप उस दिन ये काम करें। इस तिथि को अखातीज के नाम से जाना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में भी इसका कई बार जिक्र है। पौराणिक ग्रंथों की माने तो कहा जाता है इस दिन जो भी अच्छे कार्य किए जाते हैं उनका फल अक्षय हो जाता है। सर्वसिद्ध मुहूर्त के इस दिन बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। और पुराण भी कहते हैं इस दिन पितरों के निमित्त किया गया तर्पण और किसी भी प्रकार का दान अक्षय फल देने वाला होता है। अगर ये पर्व सोमवार या फिर रोहिणी नक्षत्र के दिन पड़े तो इसका फल और भी ज्यादा दुगना हो जाता है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि भाई इसका महत्व क्या है। अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। माना जाता है इस दिन भगवान नर नारायण, परशुराम और हयग्रीव ने अवतार लिया था। इसके अलावा ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म भी इसी दिन ही हुआ था। इस दिन महाभारत के युद्ध का समापन भी हुआ था जिसमें कौरवों और पांडव पक्ष के लाखों वीरों की मृत्यु हुई थी। द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था। इतना ही नहीं, इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर यह भी बताया था कि आज के दिन जो भी नई रचना, कोई भी सांसारिक कार्य किया जाएगा या कोई भी अच्छा काम किया जाएगा तो उसका पुण्य अवश्य ही होगा। इसलिए इस दिन लोग अपनी दुकान, कारखाने का उद्घाटन, शादी, घर का प्रवेश, पूजन, ऐसे अच्छे काम करते हैं जिनका फल कई गुना बढ़ता है। तो आपके पास अभी भी बहुत वक्त है, आप लिस्ट बना लीजिए, अपने सारे काम को नोट डाउन कर लीजिए जो भी आपके अच्छे काम है। आप चाहें तो ये पहले भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस दिन करना चाहते हैं तो दिन याद रखिए 23 अप्रैल 2023 रविवार के दिन। इस दिन को अक्षय तृतीय और अखातीज भी कहा जाता है। ये जानकारी आप तक विभिन्न आलेखों द्वारा पहुंचाई गई है। वीडियो में बताई गई बातों की सत्यता की पुष्टि वैदिक टीवी नहीं करता। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।